देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वेले दी अहम खबर नवदीप कौर नूं लेके आ रही है, जिस नूं सोनीपत दी अदालत दे वलों जमानत मिली है। एक खुलासा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है। इस मौके मनजिंदर सिंह सिरसा ने दस्या है कि सोनीपत की अदालत दे वलों नवदीप कौर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा के मामले दे विच गिरफ्तार किए गए दो बुजुर्गों नूं भी रिहा करवाया गया है, जबकि होरां नूं जमानत दवाउण दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पुरजोर कोशिशां कर रही है। बहुत वड्डी खबर भी है और खुशखबरी भी है। सरदार जीत सिंह जी जिन्हां दी उम्र 70 साल आ और संगरूर तो ने, सरदार गुरमुख सिंह जी 80 साल उम्र आ और फतेहगढ़ साहब तो ने, दो ही एक्स आर्मी मैन ने और 26 तरीक तो बाद हुई वॉयलेंस के चलते इन्होंने अरेस्ट किया गया। अज गुरु साहब की कृपा सदके दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर एडवोकेट साहबान के सहयोग सदके इन्हों दोवां कोर्ट माणयोग कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने भी मनिया कि इन्हों जेल च रखना ठीक नहीं है। सो मैं धनवाद करदा सारिया का जिन्ह ने साडे नाल अथक प्रयासां साडा सहयोग दिता है। मैं धनवाद करदा संगत का जिन्हों की अरदासा सदके ये जमानत कबूल हो रही ने। और मैं ये भी दसना चाहना है कि जिस तरीके अगले हफ्ते जमानत लगिया ने, सू उम्मीद आ कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 60% लोगों ने असी जमानत कराने कामयाब होवे। नवदीप कौर की जमानत भी कल एक सोनीपत लोकल कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली आ। दूजी जमानत भी कल सोनीपत की कोर्ट च लगी एफ आई आर नंबर 26 की और एफ आई आर नंबर 25 की जमानत जी रिजैक्ट हो गई सी वह हाई कोर्ट अज असी फाइल कर जा रहे हैं और मंडे नूं मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग आऊगी। सो मैं उम्मीद करदा है कि आने वाले हफ्ते के अंदर काफी लोगों ने रिलीफ मिलेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी संघर्षशील है, इसे तरह रहेगी और गुरु साहब की कृपा सदके किसान मजदूर अंदोलन की जित होगी। असी हर सूरत अंदर इस जरब और जुर्म का टाकरा करते आए हैं, टाकरा करते रहेंगे, आखिर जित साडी होगी। दस दे कि कुछ दिन पहला ही दिल्ली की एक फैक्ट्री के मजदूरों के नाल प्रदर्शन कर रही मुक्तसर साहब की नवदीप कौर नूं हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया सी, जिसनों लैके नवदीप कौर के परिवारक मैंबर ने यह आरोप लगाए सन कि हरियाणा पुलिस के वलों नवदीप कौर के नाल चंगा वतीरा नहीं किया जा रहा और उसनों झूठे आरोपों के विच फसाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वलों भी नवदीप कौर की जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई थी, जिसनों हुण सोनीपत अदालत के विचों मंजूरी मिल गई है। दिल्ली तो नितिन सिमान की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 647 84374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाली एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माही A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अस्टाम पेपर ते लिख के सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी जानबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ से नु मनाना। फोन 95603 92450 95603 92451।